ये कहानी है हाथियों के एक झुंड की, जिन्हें हमेशा की तरह पानी पीने के लिए दूर झील के पास जाना पड़ता था। और जब उन्हें पानी पीने जाना होता था तो उन्हें चूहों के गांव से गुजर के जाना पड़ता था, जिस वजह से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चूहे हाथियों के पैर के द्वारा कुचले जाते थे। राजा जी, आपको इस बात का कोई हल निकालना होगा। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार मेरे साथ हुआ है उसी तरह किसी और के साथ भी हो। आज मैं बिल्कुल बेसहारा और विधवा हो गई हूँ। मेरा इकलौता सहारा मेरा पति था, जो हाथियों द्वारा कुचला गया। इसलिए मैं चाहती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। सुना है कल फिर से हाथी पानी पीने झील के पास जा रहे हैं और हमारे गांव के रास्ते से गुजरेंगे। आपको किसी भी तरह से हाथियों से बात करनी होगी, क्योंकि कल फिर से कोई ना कोई मारा जाएगा, फिर से किसी मासूम की जान जाएगी। राजा जी, बात तो आपको ही करनी होगी, क्योंकि आप हमारे राजा हैं। तो आपको हाथियों से बात करनी होगी कि अगर उन्हें पानी पीना ही है तो किसी दूसरे मार्ग से होकर गुजरना होगा। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं अपने राजा होने का कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगा। आज तक जितनी भी मौतें हुई हैं सो हुई हैं, पर आज के बाद कोई भी चूहा किसी हाथी के पैर के तले कुचला नहीं जाएगा, ये मेरा तुम सबसे वादा है। चूहे राजा ने अपने एक सिपाही से कह रखा था कि जैसे ही उन्हें हाथियों का झुंड आता हुआ नजर आएगा तो राजा को बता दे। फिर अगले दिन सुबह सुबह राजा का सिपाही भागता हुआ महल की ओर आता है और राजा को बताता है। राजा जी, मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, हाथियों का झुंड पानी पीने झील की ओर आ रहा है और हमारे गांव के रास्ते से ही गुजर रहा है। कृपया आप चलिए और हाथियों से बात करिए। हाँ, चलो, अभी सारी सेना इकट्ठी करो। पहले तो हम हाथियों से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर सीधे तरीके से उन्होंने हमारी बात मान ली तो अच्छा है, अगर बात नहीं मानी तो फिर हम उन पर हमला कर देंगे। क्या बात करते हो राजा जी, हम चूहे हैं और वो हाथियों पर हमला कैसे करेंगे? सपने में जी रहे हो क्या आप? आपको मालूम नहीं है कि हम कितने छोटे छोटे हैं? हमारे लिए तो हाथी का एक पैर भी काफी है। उनमें से अगर कोई एक हाथी हम सब पर अपना पैर रख दे तो हम सब मर जाएंगे, और आप उन पर हमला करने की बात कर रहे हो। शायद तुम जानते नहीं हो, एकता में बहुत बल होता है। हम छोटे छोटे चूहे हैं तो क्या हुआ, अगर हमारे अंदर एकता है तो हम बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है राजा जी, जाइए आप कर लीजिए हाथियों का मुकाबला, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। अगर हम इसी तरह अपनी अपनी जान बचाकर भागते रहे और हमने बात करने की कोशिश नहीं की तो एक दिन हम में से कोई भी नहीं बचेगा, फिर हम छुप भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, क्या तुम सबको भी इसकी तरह अपनी जान प्यारी है? तुम सब मेरा साथ नहीं दोगे? नहीं राजा जी, हम सब आपके साथ हैं। ऐसे छुप के डर के मरने से अच्छा है कि हम मुसीबत का सामना करें। हम सब आपके साथ चलेंगे और हाथियों से बात करेंगे। चलिए राजा जी। इस तरह से राजा चूहे के साथ उसकी सारी प्रजा साथ देने के लिए राजी हो जाती है और वो हाथियों के झुंड का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही हाथियों का झुंड उनके गांव की ओर आ रहा था तभी राजा चूहे ने उन्हें रोक लिया। रुको, तुम सब इस ओर नहीं आ सकते हाथियों, तुम सबको अपना मार्ग बदलना होगा। अरे तुम पिद्दी भर चूहे हो, तुम हमें रोकोगे? देख नहीं रहे हो, हम सारे पानी पीने झील की ओर जा रहे हैं। इस समय हमें बहुत प्यास है, हटो वरना कुचल दिए जाओगे सारे की सारे। राजा हाथी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप तो हमारी बात को समझिए। जब भी आपका झुंड हमारे गांव के रास्ते से पानी पीने के लिए गुजरता है तो हमारे सैकड़ों भाई बहन आपके पैरों के तले कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं। हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि आप पानी पीने जा रहे होते हो, लेकिन आपको हमारा भी तो थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा।
हम आकार में भले ही छोटे हैं, लेकिन हम में भी एक जान है, हमारी भी एक दुनिया है। तुम इतने छोटे छोटे चूहों के लिए हम अपना मार्ग बदले, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये हमारी और हमारे राजा जी की बेइज्जती होगी अगर हमने तुम जैसे छोटे प्राणियों के लिए अपना रास्ता बदला। तो अगर रास्ता नहीं बदलोगे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। तुम हम पर हमला करोगे? अपना आकार देखा है तुमने? अभी पैर रखूंगा तो सारे की सारे चूहे मेरे पैर के तले दबके मर जाओगे। नहीं नहीं, मेरा ये सिपाही बड़ा भोला है, हर चीज में जल्दबाजी करने लगता है। आप इसका बुरा ना माने, बस मेरी बात का मान रख लें, उस पर थोड़ा ध्यान दें, हमारी बात को समझने की कोशिश करें कि हम क्या कहना चाहते हैं। राजा हाथी, मैं अपनी प्रजा और अपनी ओर से आपके सामने विनती करता हूँ कि आप हमारी बात समझिए और कृपया करके अपना रास्ता बदल दीजिए। हाँ, बात तो ठीक है, अगर तुम सबको हमारे यहाँ से गुजरने से दिक्कत हो रही है तो हम तुम सब के लिए अपना रास्ता बदल देंगे। लेकिन राजा जी, ये तो हमारी बेइज्जती होगी, आप इतने छोटे छोटे चूहों के लिए अपना रास्ता कैसे बदल सकते हैं? इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, जिस प्रकार हमारी एक अलग दुनिया है, हमारी प्रजा है, मैं तुम सबका राजा हूँ, उसी प्रकार चूहों की भी अपनी एक दुनिया है, इनका अपना गांव है, प्रजा है, राजा है, उन्हें भी जीने का हक है। अगर उन्हें हमारी वजह से कोई तकलीफ है तो हमें उनकी बात समझनी चाहिए, वो सब हमारे आगे विनती कर रहे हैं तो हमें उनकी बात का मान रखना चाहिए और हमें झील पर पानी पीने दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। मैं एक राजा हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं एक फैसला लूँ जिससे कि किसी को भी तकलीफ ना हो और हमारे फैसले से सभी खुश रहें। इसलिए मैं ये फैसला लेता हूँ कि आज के बाद हम पानी पीने दूसरे रास्ते से जाएंगे, इस गांव से होकर कभी भी नहीं आएंगे। चूहे राजा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद हमारा झुंड इस गांव से होकर कभी भी नहीं गुजरेगा। धन्यवाद राजा हाथी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उस दिन से चूहे अपना जीवन स्वतंत्रता और खुशहाल तरीके से जीने लगे और हाथी अब झील पर पानी पीने के लिए शहर की सड़क के रास्ते से जाया करते थे। इस बात की भनक शहर में कुछ शिकारियों को लग गई कि हाथियों का झुंड हर रोज सुबह और शाम को सड़क के रास्ते से गुजर के पानी पीने जाता है, तो शिकारियों ने एक तरकीब बनाई कि वो हाथियों को पकड़ के ले जाएंगे और जैसे ही शाम के समय हाथी पानी पीने जा रहे होते हैं कि तभी शिकारी उन सभी हाथियों पर जाल फेंक कर उन्हें पकड़ लेते हैं। चलो भाइयों, अब शहर से गाड़ी लेकर आते हैं और इन हाथियों को गाड़ियों में ले जाते हैं। तभी दो शिकारी वहां पर हाथियों को पहरे के लिए बैठते हैं और कुछ शिकारी गाड़ी लेने शहर चले जाते हैं। अब हमारा क्या होगा राजा जी, ये शिकारी तो हमें कैद करके शहर ले जा रहे हैं, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। राजा जी, कैसे इस जाल से निकले हम, यह तो बहुत ही भयंकर जाल है जिसमें हम फंस गए हैं। हाँ, बहुत ही भयंकर जाल है, हम हाथी बड़ी से बड़ी चीज को तोड़ सकते हैं लेकिन छोटे से जाल से बाहर कभी नहीं निकल सकते। अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अगर मैं वापस नहीं लौटी तो वो मुझे कहाँ ढूंढेंगे, वो सोचेंगे कि हमारी माँ आखिर कहाँ गई है। बहन, मेरे बच्चे तो अभी दूध पीते हैं, वो बहुत छोटे हैं, उनका क्या होगा अगर ये शिकारी हमें शहर ले गए तो। राजा जी, अब आप ही पर सारी उम्मीदें हैं, आप ही कुछ कीजिए ना, आखिर आप हमारे राजा हैं। हाँ राजा साहब, अब आप पर ही हमारी उम्मीद है, आप ही कोई हल निकालिए, हर चीज का आपके पास हल होता है, इसका भी आपके पास कोई ना कोई हल होगा। हाँ, हर चीज का मैं कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेता था, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आज मैं हार मान बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता,
अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं। बस उन भगवान का ध्यान करो, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और भगवान साक्षात आकर हमें बचा लें। राजा जी। क्या हुआ मंगलू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? राजा जी, मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, हाथियों के झुंड पर शिकारियों ने हमला कर दिया है। उन पर जाल फेंक कर उन्हें कैद करके शहर ले जा रहे हैं शिकारी। क्या ऐसा है? तो फिर हमें चल के हाथियों की मदद करनी होगी, क्योंकि उन्होंने हमारी बात का मान रखा था, उन्होंने हमारे लिए अपना मार्ग बदल लिया था। चलो चलकर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। चलो भाइयों, चलो, हमें उनकी मदद करनी होगी। चूहा राजा और उसकी सारी की सारी प्रजा हाथियों के झुंड को मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा हाथी, आप घबराइए नहीं, हम आपकी मदद करने के लिए आ गए हैं। तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन कैसे? हमें इतने बड़े जाल से बाहर कैसे निकालोगे? बस आप सब हम पर छोड़ दीजिए, बस देखते जाइए कि किस तरह से मैं और मेरी प्रजा आपको बचाते हैं। राजा चूहा और उसकी प्रजा सब ने जाल की रस्सी को चंद मिनट में अपने दांतों से कुतर के जाल को तोड़ के फेंक दिया और सारे की सारे हाथी और हथनियों को आजाद करवा दिया। जब शिकारियों ने हाथियों को जाल से बाहर देखा तो वो बहुत घबरा गए। इससे पहले कि सारे हाथी उनको मिलकर मार डालते, शिकारी वहां से भाग जाते हैं। अरे अरे रे रे, इन सारे हाथियों ने जाल कैसे तोड़ दिया? ये तो हमारी ही ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि ये हमें मार डाले, हमें यहाँ से भागना होगा। हाँ, हमें यहाँ से भागना होगा। भागो भागो। दोनों शिकारी वहां से भाग जाते हैं। तब जाकर हाथियों को एहसास होता है कि चूहे छोटे ही सही, लेकिन उन्होंने उनकी मदद की, उनकी जान बचाई। चूहे राजा, हम तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के बहुत बहुत आभारी हैं। भगवान ने साक्षात चमत्कार करके तुम्हें अपने रूप में भेज के हमारी जान बचाई। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं। मेरे पास हर चीज का हल होता था, लेकिन आज तो मैंने भी हार मान ली थी। मुझे लगा था कि शिकारी हमें आज यहाँ से ले जाएंगे। अगर तुम नहीं होते तो शिकारी हमें ले गए होते। हम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ में ये भी मानते हैं कि कभी भी किसी का आकार देखकर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटे से छोटा प्राणी बहुत बड़ा काम कर जाता है और बड़े से बड़ा प्राणी किसी काम का नहीं होता। इस तरह से राजा हाथी और उसका सारा झुंड राजा चूहा और उसकी प्रजा से धन्यवाद कहते हैं। फिर हाथी और चूहों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। रामू ने एक गाय पाल रखी थी जिसका नाम सुनहरी था। रामू सुनहरी को बहुत प्यार करता था और उसकी खूब सेवा किया करता था। रामू खेती बाड़ी का काम करके शाम को दूध निकालकर बांटने जाता था और फिर सुनहरी को ताजी ताजी घास चराने भी ले जाता था। एक दिन रामू की बीवी उससे बात कर रही होती है। अजी, जब से हमने सुनहरी को रखा है तब से हमारा काम बहुत ही अच्छा हो गया है। हाँ, तुम सही कह रही हो। जब से आई है ये इतना दूध देती है कि हमें बहुत पैसे मिलने लगे हैं। ज्यादातर गांव के लोग सिर्फ हमारे यहाँ से ही दूध ले रहे हैं। हाँ, भगवान ने हमारी गाय को आशीर्वाद देकर भेजा है कि वो बहुत सारा दूध देती है। हमारी सुनहरी जैसी गाय बहुत कम मिलती है। हाँ हाँ भाग्यवान, इसीलिए तो मैं सुनहरी को खूब अच्छी से अच्छी घास खिलाने ले जाता था, ताकि वो हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहे और अच्छा दूध देती रहे। हाँ जी, आपने सही कहा। फिर एक दिन सारी गाय घूम रही थी, तभी छमछम गाय वहाँ आती है और सुनहरी से बोलती है। अरे सुनहरी, तू तो बहुत किस्मत वाली है। तुझे ऐसा मालिक मिला है जो तुझे सारी अच्छी अच्छी जगह से ताजी ताजी घास खिलाने ले जाता है और तेरी पूरी सेवा करता है।
सबको ये नसीब नहीं मिलता। हाँ बहन, बात तो तुम सही कह रही हो। मेरा मालिक मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं भी तो बहुत सारा दूध देती हूँ, वो उनके काम आता है और जब वो खुश होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने मालिक के काम आ रही हूँ। हाँ सही कह रही है। वैसे सुनहरी, हमारा मालिक तो बहुत ही कठोर है। वो तो हमें सूखी घास खिलाता है और घर से बाहर घास चराने भी नहीं ले जाता। सिर्फ हम पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं, घूमने का मौका भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं, तुम भगवान से प्रार्थना करो, सब सही हो जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो। चलो अब हम अपने अपने घर चलते हैं, मालिक इंतजार कर रहे होंगे। सुनहरी सबसे अपनी तारीफ सुनकर और अपने मालिक की तारीफ सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी घर जाती है और मन ही मन भगवान से बोलती है, मन तेरा बहुत शुक्रिया मुझे ऐसा मालिक देने के लिए जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। फिर एक दिन सुनहरी ना ही घास चरती और ना ही किसी से बात करती, सिर्फ चुपचाप बैठी रहती। तब रामू उसकी चिंता करता है और बोलता है, अरे सुनहरी क्या हो गया तुम्हें आज? ना तो तुम कुछ बात कर रही हो, ना ही कुछ खा रही हो। तभी पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं जी, क्या पता आज इसका मन ना हो, आज आप इसका दूध भी मत निकालना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज इसे आराम करने देते हैं। फिर दो तीन दिन रोज सुनहरी ऐसे ही व्यवहार करने लगी। तब रामू फिर बोलता है, रेखा मुझे लगता है हमें सुनहरी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसे काफी दिन हो गए हैं कि ये बहुत ही अलग बर्ताव कर रही है और दिन पर दिन कमजोर भी होती जा रही है। हाँ आप सही कह रहे हो, हमें भी दूध का नुकसान हो रहा है। वो दोनों उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। तब डॉक्टर बोलते हैं, रामू सुनहरी के थनों में कैंसर हो गया है, इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसी कारण हमें इसका एक थन काटना पड़ेगा। डॉक्टर ये आप क्या बात कर रहे हो, आप मेरी सुनहरी के थन काट देंगे तो वो दूध कैसे देगी? ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है, हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। फिर डॉक्टर सुनहरी के थन काट देते हैं। तब रामू पूछता है, डॉक्टर मेरी सुनहरी तो एकदम स्वस्थ है ना, और मैं उसे रोज ताजी ताजी घास खिला रहा था, वो भी अलग अलग जगह की, फिर भी कैंसर कैसे हो गया? हाँ हो सकता है ताजी घास से भी इसके पेट में कोई ऐसा कीड़ा चला गया हो जिसने इसके पेट में इन्फेक्शन कर दिया हो और वही इन्फेक्शन कैंसर बन गया। तभी रेखा बोलती है, अब क्या होगा हमारी सुनहरी का, ये ठीक तो हो गई ना? हाँ डरने वाली कोई बात नहीं है, हमने बस इसका एक थन ही काटा है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। रामू और रेखा सुनहरी को घर लेकर चले जाते हैं। रामू अपनी बीवी से कहता है, अब हम सुनहरी का कुछ दिन दूध भी नहीं निकाल सकते, इसकी तबीयत खराब है। हाँ पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी सुनहरी को, इतना सारा दूध दिया करती थी, अब पता नहीं क्या होगा। फिर वो कुछ दिन बाद सुनहरी का दूध निकालते हैं। तभी सुनहरी कमजोरी से गिर जाती है। वो एक बार फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब आपने तो बोला था कि ये बिल्कुल सही है, पर ये तो गिर गया, बताओ क्या हुआ मेरी सुनहरी को, कोई डरने वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर चेकअप करके बोलते हैं, सुनहरी गर्भवती है और साथ ही कमजोर भी, इसी कारण वो गिर गई। अरे वाह क्या खबर सुनाई डॉक्टर साहब आपने, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रामू और रेखा दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। पर सुनहरी अब एक ही थन से इतना कम दूध दे रही थी कि उसका मालिक सोच में पड़ जाता है। सुनहरी अब कम दूध दे रही है और साथ ही इसके खाने का खर्च ज्यादा हो रहा है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसे घर ही चारा दे दिया करूँगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वैसे भी ग्राहक तो आधे ही हो गए हैं। मालिक ऐसा ही करते हैं। फिर कुछ महीनों बाद सुनहरी को एक बछड़ा हो जाता है, मगर सुनहरी का दूध उसका मालिक निकाल कर ले जाते हैं।
इसी कारण उसका बच्चा भूखा ही रह जाता है। एक दिन बच्चा भूख से तड़प रहा था। माँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, दूध पिला दो। बछड़ा दूध पीने की कोशिश करता है, पर सुनहरी के एक ही थन था और उसमें भी दूध नहीं आया। बच्चा रोने लगा। माँ, सबकी माँ के चार थन हैं और आपका एक ही, और सब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। आप मुझे भूखा रखती हो, मैं भूख से तड़पता रहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं क्या करूँ? एक तो भगवान ने मुझसे मेरे सारे थन ले लिए, एक ही थन है अब मेरे पास, ऊपर से मालिक सारा दूध ले लेते हैं, अब कहाँ से तुझे दूध पिलाऊं? जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, और सुनहरी का मालिक अब उसे ताजी ताजी घास खिलाने भी नहीं ले जाता, वो बस घास काट कर रख देता है, वो ताजी भी नहीं होती थी। मैं क्या करूं? मेरा बच्चा तो भूखा ही रह जाता है, सारा दूध तो मालिक ही निकाल कर ले जाते हैं, अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपने बच्चे का पेट भरूं? सुनहरी ये बात मालिक से कहती है, तब उसका मालिक बोलता है। सुनहरी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी बीमारी में बहुत खर्चा हुआ है और अब तुम आधा ही दूध देती हो, जिसके कारण मेरा बहुत नुकसान हो गया, बहुत ग्राहक छूट गए हैं, और जो दूध तुम देती हो उससे ही घर का काम चलाना पड़ रहा है, और ऊपर से अभी तुम्हारा ये बच्चा भी है, इसको भी घास खिलानी पड़ती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, पर तुम्हारे बच्चे को भूखा ही रहना पड़ेगा। ये गाय होती तो आगे जाकर मुझे दूध देती, पर ये तो बछड़ा है। ये सब सुनकर सुनहरी मन में बोली, मालिक को क्या हो गया? मालिक तो बहुत अच्छे थे और आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनहरी बहुत तंग हो जाती है और भगवान से बोलती है, हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कर दे कि मेरा बच्चा भूखा न रहे। मुझे बहुत दुख होता है जब भी ये दूध मांगता है और मेरे पास नहीं होता, और भगवान, अगर कुछ नहीं कर सकते तो मुझे मार दे। एक माँ होकर भी अपने बच्चे का पेट मैं नहीं भर सकती, तो मुझे जीने का हक नहीं है। आपने मुझसे मेरा एक थन छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अपने बच्चे का खाली पेट मैं नहीं देख सकती। सुनहरी का बच्चा भूख से तड़प रहा था, ये देखकर सुनहरी बहुत रोती है। तभी एक तेज रोशनी चमकती है, और अगले दिन से जब सुनहरी का मालिक उसका दूध निकाल कर ले जाता है, और बाद में जैसे ही बछड़ा दूध पीना शुरू कर देता है, सुनहरी के एक ही थन में इतना सारा दूध निकलता है कि मानो दूध निकला ही ना हो। अब उसके बच्चे का पूरा पेट भर जाता है और वो शांति से सोता है। ये देखकर सुनहरी बोली, भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुन ली, और एक थन होने के बाद भी मेरा बच्चा भूखा नहीं है। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।